85 साला खलीफा इशाद बेग को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की तस्वीर बनाने के साथ ही साथ कदीम मुगलिया दौर की तस्वीर भी लकड़ी पर कुनंदा की। इन्हें हकूमत ने बेपनाह एजाजात से भी नवाजा, ताहम इनकी खुद की गैलरी बनाने की ख्वाहिश पाया तकमील तक ना पहुँच सकी। एक ही मकसद था कि मैं चाहता था कि यहाँ एक गैलरी ऐसी बना लूँ ताकि जो भी हुकूमत आया कि वो देखे कि हम वाकई जो बाहर से कोई सरबरा है उसको गैलरी जरूर दिखाए। इशाद बेग को बीमारियों ने घेर रखा है और माली हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वो मकान का किराया भी देने से कासिर हैं। मैशों में भी जाता हूँ तो यही मिलता ना, वाह वाह कमाल कर दी, इसके अलावा क्यों नहीं मिलता। फनकार जो मर गए, हमारे सरबरा ने उनको हाथ नहीं रखा। इन तल्ख हालात ने इनको बहुत दिल बर्दाश्ता कर दिया है। लकड़ियाँ जलाने से पहले मुझे इन लकड़ियों में जला दिया जाए, मुझे अफसोस नहीं होगा। मैं गांधी जी की तस्वीर बना के ये भी देख लूँगा, उसके बाद मैं नहीं बनाता। खलीफा इरशाद के दोनों बेटे भी इसी फन से वाबस्ता हैं। इनके बड़े बेटे का कहना है कि इस फन से वाबस्ता लोगों का मुस्तकबिल हुकूमत की मुनासिब सरपरस्ती न होने के बायस तारीख है। इसका जब सिला ही नहीं है तो लोगों को आके क्या करना, आगे आगे से आगे तो खराब है ना जगह। उनको भी सिला ना मिला तो हम जैसे जिस तरह हम रुड़ गए हैं पानी के अंदर, तो वो भी रुड़ जाएंगे बेचारे। सकाफत के जरिए पाकिस्तान का तशख्स बहाल करने की बात तो की जाती है, ताहम बुनियादी सतह पर देखा जाए तो फनकारों की हालत ना गुफ्तबा है। लकड़ी के खूबसूरत नमूने बनाकर तारीख रकम करने वाले इस अजीम फनकार की तगड़ो का अंदाजा इन खूबसूरत शाहकारों को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। ताहम इस फन के फरोग और अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए वह हुकूमत के आसरे के मुंतजर हैं। अनीजा इलियास, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद।